हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के खास 30 क्वेश्चन, जिसका नामकरण किया है हमने सुपर 30। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो आप सारे लेक्चर्स में, और थैंक यू सो मच। आप सभी को इसी प्रकार से शेयर करते रहना, और अगर आपने इसी प्रकार से सारे वीडियोस को शेयर किया हर जगह, तो जो अंडर रेटेड वाला शब्द है जो ज्ञानी कीड़ा के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है कि सर कंटेंट बहुत तगड़ा, A1 कंटेंट है, सारी चीज़ बढ़िया, लेकिन पता नहीं चैनल की ग्रोथ इतनी कम क्यों है, तो ये शब्द बहुत जल्दी जो है यहाँ से हटने वाला है। बस इसी तरीके से ज्ञानी कीड़ा फैमिली को लगे रहना है। आपने अगर इसका वन शॉट लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वन शॉट लेक्चर यार जरूर से देख लेना, क्योंकि वन शॉट देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वन शॉट बहुत अच्छे से देखा, जिसने पूरी एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया, उसके बाद अगर आप सुपर 30 करोगे तो फिर आपको काफी ज्यादा जो है इसमें इंटरेस्ट और मजा भी आएगा। और बाकी चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गए, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1, इनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो इनका वन शॉट भी आपके पास अवेलेबल है, और साथ ही साथ में सुपर 30 भी है। इनकी पीडीएफ ड्राइव की लिंक में है जो कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो सारे पीडीएफ को वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, अपने स्कूल वगैरह पे भी शेयर कर सकते हो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एक काम करना, अगर मान लो आपने अपने स्कूल के ग्रुप में जो है इस वीडियोस को भेजा, या फिर समहाउ किसी टीचर ने जो है अगर सजेस्ट के रिकमेंड किया, तो मुझे जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में सुपर 30 के जो है उस बच्चे का नाम और वो स्क्रीनशॉट जो है मैं अपने वीडियो में जो है या फिर कम्युनिटी सेक्शन में हम लोग पोस्ट जरूर करेंगे। तो अभी आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा, लेट गेट स्टार्टेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक शर्त तैयार ध्यान रखना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान है, अभी आपको ना स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, और ना ही यहां जाना है। अभी चुपचाप से बैठ जाओ शांति से, और पूरा का पूरा लेक्चर 30 से 34 क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे तो मैंने उसको हटाए नहीं है, उसको लिए 34 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल होने वाले हैं, और सबको हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं, और आपको बिना हटे आज लिपटा देना है। जब भी बैठो ना वन शिट में, अब जब शॉर्ट्स देखने बैठते हो यार तब भी तो 1-1.5 घंटा कब निकल जाए पता नहीं चलता ना, वैसे ही आपने 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठने की आदत तो है ही शॉर्ट्स और रील देख देख के, तो इसका फायदा उठाओ वन शॉट लेक्चर में भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक तुम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP रेस्पेक्टिवली आर दिस 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 एंड दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y। तो Y की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि Y की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट पर, ठीक है ओके, ठीक है बात समझ में आ गई आप लोगों को, कि अगर कोई भी 3 नंबर, मैंने वन शॉट लेक्चर में बताया था, अगर कोई 3 नंबर हमारे पास है ABC कॉमन 3 नंबर, अरे ये क्या हो गया, दोहरे पड़ते, कोई 3 नंबर हमारे पास A, B, C, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है इस तरीके से ABC है, ठीक है, और ये क्या है R in AP, अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो एक रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, थोड़ा डार्क लेते हैं गुरु जो, क्या रिलेशन होता है हमारे पास, वो होता है कि A प्लस में C जो है वो ट्वाइस ऑफ B के बराबर होता है। ये रिलेशन मैंने आपको याद करने को कहा था, बहुत काम आता, ठीक है ये ओके। चलो अब समझो, यहाँ पर तुम्हारे पास 3 नंबर कौन कौन से, एक तो हमारे पास 3y-1 है, 3y+5 है, और 5y+1 है, तो 3y-1, 3y+5, 5y+1, ये आपका A है, ये B है, और ये C है, तो इस रिलेशन में जो है हम इसको पुट करने वाले हैं। तो पहला 3y-1 लास्ट वाला 5y+1 जो है बराबर किसके आएगा, 2 × 3y+5 के, इसके जो है बराबर आएगा A+C जो है ट्वाइस ऑफ B के बराबर निकल के आता, ठीक है ओके। तो 3y+5y तो कुल हो गया 8y-1+1 खत्म हो गया, इज इक्वल टू 3×6y+10 निकल के आ गया, ठीक है। तो 8y-6y आपका 10 के बराबर हो गया, और 2y आ गया 10 के बराबर, और y की बात करें आएगा 10/2, तो y जो है वो 5 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। घूम लो तुम इधर उधर, ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा किधर, जब सता है मैथ और साइंस का स्ट्रेस खूब सारा, तो ज्ञानी कीड़ा ही है एकमात्र सहारा। बस एक मिनट रुक जाओ, मैं जो है इसमें अपने आंसर शीट को ओपन कर लूं। यस अब ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टू, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 - A14 32 के बराबर दे रखा है। देखो सिंपल सी बात है,
कि A18 का मतलब क्या, 18 टर्म होता है, A14 का मतलब 14th टर्म होता है, तो 18th टर्म जो है मतलब क्या फॉर्मूला, A कम D होता है, अगर A18 का मतलब होता है A प्लस में 17D, ये सब मैंने वन शॉट में बताया आप लोगों को, और A14 होता है A प्लस में 13D, इस तरीके से ये हमें 32 दे रखा है और हमें कॉमन डिफरेंस D यानी कि बताना है, ठीक है ओके। तो A प्लस में 17D, अब ये माइनस है, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का A माइनस का 13D निकल के आएगा, इज इक्वल 32 हो जाएगा, अब प्लस का ए माइनस का एक खत्म हो गया, अब 17D में से 13D के तो आ गया 4D इज इक्वल टू 32, तो D आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 4, तो D कितना आ गया 32 है, ठीक है 32 हमारे पास है, और मैंने गलती 34 लिख दिया, समटाइम ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, तो 4 8 32 D की जो वैल्यू है वो 8 आएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेरे ख्याल से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द nth टर्म ऑफ द एपी, अब हमारे पास कोई एपी दे रखा है इसका nth टर्म क्या होगा, तो आप हल्का सा ऑब्जर्व करके बड़े आराम से बता सकते हो इसका nth टर्म क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म पर भी 1 है, सेकंड टर्म पर भी 1 है, थर्ड टर्म पे 1 है, तो जाहिर सी बात है कोई सा भी टर्म होगा वहां पर 1 तो जरूर निकल के आने वाला है, और प्लस में यहां पर √3 है, फिर 2√3 है, 3√3, ऐसे nth टर्म में क्या आएगा, √3 निकल के आ गया, तो 1 प्लस में √3 जो है ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं 4 क्या बोल रहा है, ध्यान सुनेंगे, 4 कह रहा अपने पास, एक मिनट थोड़ा बढ़िया था ना यार, पेन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, नीला पेन दे दिया मैंने, ब्लू ले लिया, रेड ठीक है ओके, एक ब्लैक और ले लेते हैं, ब्लैक और ले लेते हैं, रेड रेड अच्छा लग रहा है, चलो रेड ठीक लग रहा है, इसकी जगह ब्लैक लेता हूँ, एक ना कलर चेंज कर लो, मैं ब्लैक लेता हूँ, ठीक है ओए ब्लैक की तो बात ही अलग है, ठीक है चलो। अब हमें बताना है शो दैट दिस 3 नंबर आर इन एपी, अब कैसे पता चलेगा कि भाई तीनों नंबर एपी में, दो तरीके हमारे पास है, या तो आप क्या इनका कॉमन डिफरेंस इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो आपका एपी में होगा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, कि आपका ए प्लस में सी अगर ट्वाइस ऑफ बी के आ रहा है तो 3 नंबर एपी में तब होते हैं जब इसको सेटिस्फाई करता है, अगर 3 नंबर एपी में है तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, अगर 3 नंबर इसको सेटिस्फाई करें तो वो एपी में होते हैं, तो या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर क्या है, ये मान लो आपका फर्स्ट ऑफ A1 है, या आपका A2 है, या आपका A3 है, तो आपका A2 माइनस में A1 जो है वो आपका A3 माइनस में A2 के बराबर आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि भाई तीनों नंबर एपी में, तो ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा तो उसको रहने देते हैं, हम लोग जो है इस वाले का इस्तेमाल करके आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है चलिए। तो ए प्लस सी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है प्लस सी कितना है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर जो है आपका ट्वाइस ऑफ बी, तो 2 × a² + b² के बराबर आना चाहिए, अभी हम फटाफट से देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी बताएंगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab निकल के आता है, अब a प्लस में b का होल स्क्वायर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab निकल के आ गया, इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 2 × a² + b² के बराबर आना चाहिए, अब a² + a² कितना आ गया 2a² आ गया, और b² आ गया 2b का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2ab खत्म हो गया, और ये हमारा इसके बराबर आना चाहिए। अब हम देख सकते हैं हमें 2 कॉमन कर लेंगे फटाफट से, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन कर लेता हूँ कितना आ गया a² + b² आ जाएगा, और बराबर में आ गया 2 × a², तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं यस दिस 3 नंबर्स आर इन AP। तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्या आपको अच्छे से क्लियरिटी निकल के आ गई कि 3 नंबर अगर मेरे को एपी में शो करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ता है, ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में नहीं था और ये चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगा, केवल ज्ञान के प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं 5, ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13-14 के आसपास ये ऐसा ही क्वेश्चन था, और मैंने वहां पर कहा था भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है, तो ध्यान सुनना क्या बोला यहां पर, एपी का कौन सा टर्म उसके 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, मतलब 31st टर्म कुछ होगा उसमें 130 और जोड़ दो, अब नया ए एन निकल के आ गया, उस ए एन के करस्पॉन्डिंग एन की क्या वैल्यू होगी, ये हमसे पूछ रहा, बहुत ही आसान है। चलिए मैंने क्या बोला, ए एन क्या अपने पास, ए एन है भाई उसके 31st टर्म से 130 ज्यादा, तो इस तरीके से आपने इसको शांति से क्या होता है, व्हाट इज द शांति से, तो आपको चुपचाप से जो है फिर चुपचाप से, तो हमें इस तरीके से हम यस हम होंगे कामयाब, तो इस तरीके से हमें यहां पर लिख लेना। अब ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस पे एन माइनस पे 1 × d होता है, ए 31 होता है ए प्लस में 30 डी, और प्लस में आ गया 130 निकल के, ठीक है। अगर एपी को गौर से देखिए,
कितना है ए, ए हमारे पास 5 है, डी कितना होगा 15 माइनस में 5 जो है 10 निकल के आ जाएगा, तो ए से एक कट गया, एन माइनस वन डी जो है हमारे पास 10 है इक्वल 30 इंटू डी हमारे पास 10 है और प्लस में 130 निकल के आ गया, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो आ गया 300 प्लस में 130 ठीक है, तो n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, ये आ गया 430 निकल के और n माइनस 1 आ गया 430 डिवाइड बाय 10 तो इससे खत्म हो गया, तो n माइनस 1 जो है 43 के बराबर निकल के आ गया और n जो है 43 प्लस में 1 तो n की जो वैल्यू 44 निकल के आ गई, तो सेम ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में था। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है अब समझ में आ चुका है, मैं आंसर करूँ बिल्कुल ठीक आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। How many terms of the AP should be taken so that their sum is zero? कितने टर्म लेने पड़ेंगे, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे कि सम जो है जीरो हो जाए, मतलब आपको SN जो है वो जीरो दे रखा है ठीक है, और A आपका फर्स्ट टर्म होता है और D होता है आपका सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो जो कि हमारा माइनस का 2 निकल के आ गया ठीक है। फॉर्मूला ज़्यादा बहुत आसान है ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है N अपॉन पे 2 और होता है 2A, 2A प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d निकल के आता ठीक है। SN हमारा 0 दे रखा है, n हमका भाई साहब नहीं मालूम है और 2 हमारे पास इंटू ए 22 है प्लस में n माइनस 1 d जो है d हमारे पास माइनस का 2 दे रखा है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी है ठीक है। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 इक्वल हो जाएगा n मल्टीप्लाई में जाएगा 44 और माइनस में 2n प्लस में 2 निकल के आ जाएगा इस तरीके से, तो 0 इक्वल हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस में 2 कितना हो गया 48 हो 46 हो गया माइनस 2n निकल के आ गया, दो फैक्टर बन गए, एक बार n इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार 46 माइनस में 2n इक्वल टू 0 करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 46 हो जाएगा और n आ गया 46 डिवाइड बाय 2 तो n आ गया 23 निकल के। अब n 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि n क्या होता है, n हमारा एक नेचुरल नंबर होता है ठीक है, तो n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर होता है तो इट कैन नॉट बी 0, तो ये हटा देंगे, 23 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 7 ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, एक मिनट हो गया मैं चेक करूं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, यस ठीक है, क्वेश्चन 7 चेक करते हैं, 7 क्या बोल रहा है, इफ 10 टाइम्स द 10th नंबर इज इक्वल टू 20 टाइम्स द 20th नंबर, ओ वाओ, ऑफ एन एपी फाइंड इट्स 30 टर्म हमें निकालना है यार, बहुत सारे देखो 10th टर्म 10 टाइम्स द 10th टर्म, जो बोला उसको लिखो, देखो यहां से 10 टाइम्स द 10th टर्म सिंपल लिखना है और 20 टाइम्स द 20 टर्म ठीक है, ये बराबर दे रखा है, तो a 10 क्या होता है भाई, a प्लस में 9d, एक कम d बताया था मैंने, और 20 क्या होता है भाई, a प्लस में 19d, हमें क्या निकालना, 30 टर्म, a 30 निकालना जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस में 29d, ये हम लोग को जो है निकालना है कि ये कितना निकल के आएगा ठीक है। ओके अब आएगा 10a, एक काम करो इसको काट दो तो कट जाएगा ना, क्या कटेगा, 10 से कट जाएगा 2 टाइम्स में ठीक है, तो क्या a प्लस पे 9d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस पे 19d ठीक है, और a प्लस पे 9d, अब 2 मल्टीप्लाई a कितना हो गया, 2a निकल के आ गया और 19 टू जो 38 होता है तो 38d निकल के आ गया, सबको इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो 2a माइनस में a प्लस में 38d माइनस में 9d इक्वल 0 निकल के आ जाएगा ठीक है। ओके तो a और 38 में से 9 गया तो 29 निकल के 29d इक्वल 0, ये मैं 0 दे रखा है, अरे यार यही तो होता है अपना 30 टर्म a 30 जो है हमारा 0 निकल के आ गया, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट 8 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, बहुत बार PYQ में आया, आप कोई सभी PYQ उठा के देख लेना अगर आपको PYQ की नीड है, मैंने 2011 से लेकर 2023 तक के सारे PYQ उसको अरेंज कर दिए हैं आप सभी के लिए, बहुत मेहनत के साथ मैं पूरा जुटा हुआ हूँ, हर एक चीज़ जो दे सकता हूँ आप सबको दे रहा हूँ ताकि आप लोग के इस बार 100 out of 100 लेके आए ठीक है। 20 मार्क्स आपके हाथ में वो आप देखो, 80 मार्क्स मेरे हाथ में, बस रेगुलर रहो, 80 मार्क्स मैं दिला के रहूँगा, हर साल दिलाए बच्चों को आपको दिला करूँगा, कुछ बच्चे शक करते हैं, मतलब शक नहीं, मतलब एक होता ना कि किसी भी चीज़ के ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर पूरा फेथ, जैसे माँ बाप के ऊपर क्या फेथ है कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं और यही हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे हमेशा रक्षा करेंगे, तो एक फेथ है भगवान पे, एक फेथ होता है, उसी प्रकार आपको ज्ञानी कीड़ा के साथ भी एक फेथ रखना कि जो दीपक भैया हमारे हैं वो जो है काफ़ी अच्छे से हमें 80 out of 80 दिलाएंगे, उनकी हर बात को, हर एक लेक्चर को, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और यकीनन मेरे भी 80 out of 80 आएंगे, तो ये आपके अंदर फेथ होना चाहिए तभी काम बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा 1 + 4 + 7 + 10 + .x जो है 287 के बराबर, तो मैं x की वैल्यू निकालना कि x की वैल्यू क्या निकल के आएगा ठीक है। अच्छा देखो ये AP है, ये AP है जिसमें फर्स्ट टर्म आपका कितना रखा है A,
ठीक है, और डी कितना हमारे पास 4-1 जो कि हमारा 3 निकल के आ गया। अब लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं जो कि आपके पास एक्स है, और एस एन जो है हमारे पास वो 287 निकल के आ गया। अब यहाँ कहीं ना एन नहीं दे रखा, अगर मैं एन को यूज करूंगा और एक्स दो वेरिएबल हो जाएंगे तो मुझे एक्स निकालना है, एन मुझे नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, एस एन में तो एन आएगा ही आएगा, क्यों, हमें एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन होता है हमारे पास एन अपॉन पे टू, और होता है हमारे पास क्या ए प्लस में ए एन, तो हमारे पास क्या उसमें एन तो आएगा ही आएगा और एन का मुझे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एन का इस्तेमाल करूंगा तो फिर फंस जाऊंगा मैं। तो एक काम करते, फॉर्मूला होता है ए एन का, वो क्या होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, यही फॉर्मूला होता है। अब ए एन कितना हमारे पास लास्ट टर्म एक्स दे रखा है और फर्स्ट टर्म वन है और एन हमें नहीं पता और डी हमारे पास थ्री दे रखा है, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जाएगा थ्री एन प्लस माइनस में थ्री, तो एक्स माइनस वन प्लस में थ्री इज इक्वल टू थ्री एन निकल के आ जाएगा, और एक्स प्लस में टू डिवाइड बाई थ्री जो है वो एन की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एन आ गया इन टर्म ऑफ एक्स, अच्छी बात है ना, सिर्फ एक्स के टर्म पे आ गया। अब बड़ा आसान हम लोग के लिए होने वाला है, मेरे ख्याल से आप सभी को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट से हम यहाँ पुट करते हैं, सम दे रखा 287 ठीक है, बराबर में एन की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस में टू अपॉन में थ्री, और यहाँ टू है थ्री टू सिक्स हो जाएगा ठीक है। अब ए प्लस एन, ए वन है और ए एन आपका एक्स है ठीक है, इस तरीके से ओके। तो 287 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस में वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में टू और डिवाइड बाय जो है सिक्स निकल के आ जाएगा ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले भाई साहब को हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है, और इस वाले को खसका के यहाँ पर कर देता हूँ ठीक है, ताकि स्पेस हमारे बन जाएगा ठीक है ओके। तो जाएगा 287 बराबर में जाएगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में टू, बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस में टू निकल के आ गया और डिवाइड बाय सिक्स निकल के आ जाएगा ठीक है यहाँ तक। तो 287 बराबर में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 और डिवाइड बाय 6 निकल के आ जाएगा ठीक है। तो देखा इसको मिला करो 6 7 जा 42 निकल के आ गया, 6 8 जा 48 और 4 होता है 52, 6 दुनी 12 12 5 17 172 ठीक है ओके। बराबर में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 निकल के आ गया, तो 1722 माइनस में 2 इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1720 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 4 पे सीखा हुआ है। अगर आप बच्चों को नहीं आता तो प्लीज़ मैं कहूँगा जाके देखना। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1720 आना चाहिए, वैसे 3 आना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा, आपके पास दो तरीके, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से करो। आई सजेस्ट मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा ठीक है। तो करते हैं फटाफट से, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 0 जाएगा और 2 4 जाए 2 3 जा 0 निकल के आ गया, फिर 2 सेकंड 2 2 जा 4, 2 1 5 निकल के आया, 2 से 15 ठीक है, 5 2 7 और 1 8, ये 5 से कटेगा, 5 चूंकि 20 5 से 15, तो 5 दुनी 10 दुनी 20 दुनी 40, 40 और 43 निकल, कितना आसान है, 40 और 43 निकल के आ जाएगा ठीक है। तो 43 माइनस में 40 हो जाएगा और 43 मल्टीप्लाई माइनस का 40, तो हमने इसको इसके फैक्टर्स निकाल लिए। आइए फटाफट से मिलकर पुट करते हैं और आंसर का मजा लेते हैं। तो हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस में 43x माइनस में 40x माइनस में 1720 इक्वल टू 0 आ गया। अब x कॉमन कर लो, x प्लस में 43 आ गया, माइनस का 40x कॉमन कर, 40 कॉमन कर लो, x प्लस में 43 निकल के आ जाएगा ठीक है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 43 एक तरफ कर लेंगे और x माइनस 40 इज इक्वल 0 निकल के आ गया। अब यहाँ से तो x माइनस का 43 आ जाएगा और यहाँ से x क्या प्लस का 40 निकल के आ गया। अब मैंने बताया आपको जो हमारे पास x जो है, हाँ सॉरी ठीक है। अब यहाँ पर क्या ना थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अब ये बढ़ रहा है, 1 है फिर 4 है फिर 7, ये आगे बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो x की जो वैल्यू कितना है प्लस का 40, तो प्लस का 40 इज योर राइट आंसर। अच्छा मैं एक बात और कहने वाला था आप सभी से, अभी हमने हाल ही में ना अपने आप को जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव करना शुरू किया ज्ञानिकीडा ने, तो व्हाट्सअप नंबर हमने ऑफिशियली अनाउंस करना शुरू कर, मतलब हमारे पास आ चुका है, इंस्टाग्राम पर ज्ञानिकीडा हमारे पास है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फेसबुक पर हम लोग आ चुके हैं, उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ठीक है। हमारा खुद का फेसबुक पेज है ज्ञानिकीडा के नाम से, तो ज्ञानिकीडा पे जितने भी बच्चे ज्ञानिकीडा में हैं ठीक है, जो फेसबुक में है वो प्लीज पेज को जरूर फॉलो कर दें, और आपके जान पहचान में कोई भी अगर बच्चा है या फिर शेयर उस पेज को जो लिंक है वो प्लीज आप लोग याद से शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि हम इतने सारे प्लेटफॉर्म में रहेंगे तो जल्दी हमारी रीच बढ़ेगी और हमारी जो फैमिली ज्ञानिकीडा जल्दी जो है आप सबके सपोर्ट से 1 मिलियन
हो जाएगा। तो इस बार मौका है, ये जो बैच है 2023-24 का, ये मौका इस बार हम पूरा कोशिश कर रहे हैं इस बार 1 मिलियन तक जाने का इस सेशन के एंड एंड तक। तो आप सभी जो है इसका पार्टिसिपेट, इसका हिस्सा बन सकते हैं पार्टिसिपेट करके कि यस हमारे बैच में रहते तो ज्ञानी ने इतना फास्ट ग्रो किया। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके उतना आप जो है फेसबुक पेज में जाइए, वहाँ पर जो है लोगों को सेंड कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और व्हाट्सअप नंबर शेयर कीजिए डाउट्स वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए, और चैनल की लिंक भी शेयर कीजिए और कहीं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट चलते हैं नाइन ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर मैं आंसर चेक कर लूँ एक बार कितना आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 840, ठीक है ओके। फाइंड वेदर वेदर माइनस का 150 इज अ टर्म ऑफ दिस, हमें बताना है क्या माइनस का 150 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एन होगा, एन मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, अगर एन एक नेचुरल नंबर आ जाए तो होगा वरना नहीं होगा। तो चेक करना है हमें, ठीक है। तो ए हमारे पास माइनस का 150 निकल के आ गया और ए हमारे पास 11 है और डी कितना आ गया 8 माइनस में 11, तो 8 में से 11 आ गया तो माइनस का 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक ओके। तो हमें चेक करना है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी होता है। तो माइनस का 150 इज इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस में एन कितना है एन 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 नहीं पता और डी कितना है माइनस का 3 दे रखा, ठीक है। तो माइनस का 150 माइनस में 11 इज इक्वल टू जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो याद रखा माइनस 161 डिवाइड बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या 161 अपॉन 3 3 से कटेगा, चेक करो 3 प्लस 6 प्लस 1 7 और 8 जोड़ने पर अगर 3 का मल्टीपल आता है ना तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या है, n डज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है नहीं लाई करेगा, नो हम बोलेंगे कि इट डज नॉट लाई ऑन दिस ए पे। बहुत सिंपल है, n आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए था, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, आप वहां भी देख सकते हो। नेक्स्ट 10 क्या कह रहा है, इफ दिस दिस एंड दिस आर इन ए पी, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिए ताकि आपके अच्छे से रिविजन हो जाए। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, अगर मान लो ये ए है, ये बी है और सी है, अगर ए बी सी ए पी में होता है तो ए प्लस में सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी के बराबर निकल के आता है, ये हमें करना है। तो आइए 1 अपॉन पे x + 2 और प्लस में 1 अपॉन पे x + 5 जो है ट्वाइस ऑफ बी के 1 अपॉन पे x + 3 के बराबर निकल के आ गया। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ऑफलाइन मीटअप करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन मीटअप करने वाले हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि दिल्ली से हैं, और अगर दिल्ली में ऑफलाइन मीटअप होगा तो आप सभी ज्ञानीगढ़ को सपोर्ट करने के लिए वहां पर मुझसे मिलने आओगे और संतोष सर्वे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, देखते कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं या फिर आस पास में यूपी वगैरह में, कि अगर हुआ मीटअप तो जरूर आ जाएंगे, जानना एक आंकड़ा, ठीक है, उसी हिसाब से जो है फिर हम लोग हॉल भी बुक करेंगे, ठीक है। तो बताना जरूर कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करना है x + 5 और प्लस में x + 2 आ गया ऊपर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना निकल के आएगा हमारे पास, वो आएगा x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 5 निकल के आ गया, इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन पे x + 3 निकल के आ गया, ठीक है। x + x हो गया 2x + 5 = 7 निकल के आ गया, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे x + 3 से, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा x + x + 5 और प्लस में 2 × x + 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आ गया 2x × x + 3 और प्लस में 7 × x + 3 देखो जाएगा 2 × x² प्लस में 5x + 2x + 5 10 निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ तक ओपन करो से, तो 2x² प्लस में 6x निकल के आ गया प्लस में 7x + 7 = 21 इक्वल जाएगा 2x² प्लस में देखो 5 × 2 = 7 × 14x प्लस में 20 निकल के आ गया। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, 7 और 6 कितने होते हैं 13, तो 13x + 21 इक्वल हो जाएगा 14x + 20, अच्छा जी 21 − 20 इक्वल टू हो गया 14x − 13x निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखा 1 = x, तो x की वैल्यू जो है वो 1 निकल के आ गई, जल्लाद से दिखने वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा क्यूट लगने लगा है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, इन एन ए पी फाइंड एस एन, हमें एस एन निकालना है वेयर ए एन दे रखा 5 एन माइनस 1
हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, और 20 टर्म का सम भी निकालना है। तो ए एन से ऐसे निकालना, ये सब चीज़ें में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ज्ञान की क्रीड़ा के प्लेटफॉर्म पे अगर आप आते हो तो किसी चीज़ में पीड़ा नहीं रहती, इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है ज्ञान की क्रीड़ा से अपने क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स और साइंस की जर्नी को पूरा करना, क्योंकि एक बार मिस कर ले, एक बार यहाँ से चले गए और कहीं और भटक गए, उसके बाद भटकते रह जाओगे और ये जो मौका है 80 ऑटोमेटिक लर्निंग का वो मिस हो जाएगा भैया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अपने सीनियर से जाके बात करना जो भी ज्ञान की क्रीड़ा से पढ़ा है, या फिर जो है आपके आस पड़ोस में स्कूल में पूछना सीनियर से कि आपने यूट्यूब में कहाँ से पढ़ा था। यकीनन कोई ना कोई बच्चा जो है मैक्सिम ज्ञान की क्रीड़ा का नाम जरूर ले रहे होंगे। चलिए इन्होंने पी ऐसा निकाला ए एन दे रखा है, अब ए एन दे रखा हमें 5n-1 दे रखा है। तो जब भी ए एन दे रखा हो ना तो हम ए पी निकाल सकते हैं। ए पी क्या होता है हमारे पास भाई, सिंपल सी बात है, ए पी हमारे पास होता है ए वन, ठीक है, ए टू होता है और ए थ्री, यही तो ए पी होती है। तो जहाँ पर n है वहाँ 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 उड़ा जाएगा। तो n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ए वन निकल के आ गया। ए वन कितना जाएगा, 5 × 1 - 1 कितना आ गया, 5 - 1 जो है वो 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब n को 2 पुट करो तो a2 कितना आ गया हमारे पास, तो आ गया 5 × 2 - 1 जो कि अगर 10 - 1 = 9 निकल के आ गया। अच्छा जी, n को 3 और पुट कर देते हैं तो a3 कितना आ गया, 5 × 3 - 1 5 × 3 = 15 - 1 जो है 14 निकल के आ गया। तो ap क्या बन गई, 4, 9, 14, ये हमारी ap की कहानी बन गई। हमने ap हमने बड़े आराम से बना लिया। अब ap पता चल गया sn निकालना है। अब sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बोलो, n अपॉन पे 2 और होता है 2a + n - 1 × d, ये हमारे पास sn का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और 2a यहाँ देखे a कितना है 4 है और d कितना है 9 - 4 जो है आपका 5 निकल के आ जाएगा d, ठीक है, ओके। तो n अपॉन 2 हो गया 2 × a 4 है प्लस n हमें नहीं पता और d हमारे पास 5 निकल के आ चुका है, ठीक है। तो देखा n अपॉन पे 2 4 × 2 = 8 प्लस में 5n - 5 निकल के आ गया। तो देखा n अपॉन पे 2 8 में से 5 गया 3 तो 5n + 3 निकल के आ गया। तो देखा कितना 5n² + 3n/2 ये हमारे पास sn निकल के आ जाएगा। आंसर चेक कर लूँ मैं, आंसर दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, बस चेक करता, ठीक है। अब बोला s20 निकालने के लिए, अब हमने sn निकाल लिया, s20 निकालना है। तो s20 वाला क्या है, जहाँ पर n है वहाँ 20 पुट करना है और कुछ नहीं करना। चलिए कर देते हैं, तो 5 × 20² + 3 × 20/2, ठीक है, 20² = 405 × 400 + 60/2 निकल के आ गया। तो s20 यहाँ निकालते हैं तो 5 × 20 = 2000 + 60/2 निकल के आ गया। तो s20 कितना आ गया, 2060/2, तो काटो s20 आ गया 21030 निकल के आ गया, बिल्कुल सही आंसर है, s20 हमें निकालना था। तो बहुत सिंपल है, आपने अगर हमारे पास an दे रखा हो, चाहे an दे रखा हो चाहे sn दे रखा हो, इससे ap हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी आगे sn वाला क्वेश्चन में लिया तो डरने वाली बात नहीं है, सारी क्लैरिटी जो है आपको निकल के आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 आप सभी के स्क्रीन पर। इससे 12 में जाने से पहले मेरे को ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑफलाइन ट्यूशन नहीं लगा रखा। एक बार जानना है मुझे कितने ऐसे बच्चे हैं। कुछ होते ना कि ऑनलाइन में ज्ञान से पढ़ रहे हैं, फिर फला फला जगह से कोर्स ही परचेस कर रखा है, उसके बाद भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम घुसे पड़े हैं। और कुछ है, अरे अविंदा सर ऑनलाइन है तो सारा काम फ्री में चल रहा है, क्या दिक्कत की बात है। तो कितने ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन भी जा रहे हैं और ऑनलाइन साथ में कर रहे हैं, और कितने ऐसे जो केवल ऑनलाइन पर डिपेंड है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन 12 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आर एस अग्रवाल में है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता। पानी का रख दिया मैंने, ओके चलो। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एपी घट रही है ना, 121 से 117 आया, 113 आया, घटते घटते पहला जो नंबर नेगेटिव आएगा कौन सा टर्म होगा, 16 होगा, 17 होगा, एन निकालना उसका, अभी निकालते, मस्त क्वेश्चन है। चलो कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब क्या है, कहां पर आपका ए एन नेगेटिव होगा, किस एन के लिए आपका ए एन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मतलब डी, ठीक है, कुछ ऐसी चलेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। ए कितना आ गया, ए आपका 121 है और डी कितना है, 117 - 121 है, कितना आ गया, माइनस 4 आ गया, डी आपका माइनस का 4 आ गया, तो डी माइनस का 4 है और ए जो है वो कितना है, 121 दे रखा है, इसको हमें ध्यान में रखना, ठीक है, सिंपल है। बस यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता था, लेस देन का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए हो गया 121 प्लस पे, एन हमें नहीं पता, डी कितना हो गया, माइनस का 4 और लेस देन 0, ठीक है, तो 121 - 4n + 4 < 0, ठीक है।
तो 125 माइनस का 4 एन लेस देन 0 निकल के आ गया, ठीक है। 125 यहां पर जाएगा, माइनस का 4 एन लेस देन माइनस का 125 निकल के आ गया। अब एक बार ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर माइनस से माइनस उड़ाता हूं तो ये चीज अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो हो जाएगा गलत। क्यों? मैंने बोला माइनस 3 जो है वो छोटा है माइनस 2 से, बिल्कुल सही बात, ट्रू है। लेकिन जब मैंने माइनस से माइनस काट दिया तो क्या अब ये ट्रू है? क्या 3 छोटा है 2 से? अब ये गलत हो जाता है। तो जब भी हम लोग इस ऐसे साइन पे, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हायर क्लास में पढ़ोगे, इसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब कभी भी इनइक्वालिटी में अगर आप लोग दोनों नेगेटिव काटोगे या डिवाइड करोगे नेगेटिव से, तो इनइक्वालिटी का साइन को बदलना पड़ता है। तो 4n बड़ा होगा 125 से, तो n जो है वो बड़ा होना चाहिए 125 अपॉन 4 से। तो काटो कितना का, n बड़ा होना चाहिए 4 3 12, 4 1 4, ठीक है। और पॉइंट आ गया 31. 4 3 12 4 1 4 55, 4 2 8, ठीक है, 4 5 कुछ इस तरह। तो इससे n बड़ा होना चाहिए, n होता है नेचुरल नंबर, तो 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? 32 होगा। तो n आपका 32 होगा, तो 32 के लिए आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकल के आएगा, उसके लिए n आपका 32 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 13 क्या कह रहे हैं, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया गया, लास्ट टर्म से आपको जो है 20 टर्म निकालना। तो जब भी लास्ट से निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा, मैंने वन शॉट में बताया था, आपके आरएस अग्रवाल पे भी फॉर्मूला दे रखा और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में शायद दे रखा है। उसके फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म से निकालने के लिए, वो होता है हमारे पास एल माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, अगर आपको लास्ट टर्म से निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, तो ए एन हमें कितना दे रखा है बोलो, हमें क्या निकालना, 20 टर्म निकालना ना, तो ए 20 निकालना हमें, तो एल लास्ट टर्म कितना है 253, तो 253 माइनस में एन कितना है 20, और डी कितना है, डी हमारे पास है 5, ठीक है। तो आ जाएगा 253 माइनस में 19 मल्टीप्लाई 5, तो आ जाएगा 253 माइनस में 9 5 45, 5 5 9, तो आ गया 13 से 5 गया 8, 24 में से 9 आ गया तो 15 आ गया, तो 158 जो है आपका ए 20 आ गया। लास्ट से निकालो। एक तरीका और, ए पी को उल्टा कर दो, 2 ए पी ऐसा कर लो, उल्टा कर दो 253, ठीक है, फिर 248 डॉट 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 जो है आपका 83। अब जो है यहाँ से निकालना चाहो तो 20 टर्म निकाल सकते हो, ए आपका ये हो जाएगा, डी आपका चेंज हो जाएगा, बात हुई है, फॉर्मूला यही निकल के आ जाता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट 14 ईर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द ए पी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिडल टर्म निकालना, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी, एपी का मिडल टर्म क्या होगा। देखो मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, इनका मिडल टर्म होता है 3, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि मिडल टर्म क्या है, मतलब एन पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखते क्या सीन है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 7, ठीक है, और डी कितना हमारे पास 13 माइनस में 7 जो कि हमारे पास 8 होता है, 8 होता नहीं 6 होता है, 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। और ए एन हमारे पास 241 है, ठीक है, तो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी निकल के आता है, ठीक है, पुट करो तो 241 इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस पे एन माइनस वन, डी हमारे पास 6 निकल के आ गया, ठीक है। तो 241 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस में दो दो बार क्यों लिख दिया मैंने, तो 241 माइनस में 7 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब 241 में 7 का कितना आता है भैया, ये आता है 234 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू जाएगा एन माइनस वन, काटो कट रहा है 6 3 18 5 6 9 54 प्लस 1 इक्वल टू एन हो गया, तो एन कितना आ गया, एन आपका 40 निकल के आ गया। अगर आपके पास एन दो निकल के आते हैं, अगर एन हमारे पास ऑड नंबर होता है तो इसका मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म निकल के आता है, लिख लो इसे, ठीक है, वो आता है हमारे पास एन प्लस में 1 अपॉन पे 2, ये मिडल टर्म होता है। और अगर हमारे पास एन इवन आता है तो इसके दो मिडल टर्म आते हैं, कौन कौन से, एक आता है एन अपॉन पे 2 और एक आता है एन अपॉन पे 2 प्लस 1, ये दो मिडल टर्म जो है निकल के आता है अगर इवन हो, या दो टर्म निकल के आएंगे हमारे पास, कौन कौन से 40 अपॉन पे 2 और 40 अपॉन पे 2 प्लस 1, मतलब कितना 20th टर्म और 21th टर्म, तो 20th और 21th टर्म जो है वो आपका मिडल टर्म होगा। तो 21th टर्म और 20th टर्म, अब दोनों निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए 20 क्या हो गया, ए 20 निकाल दो, ए प्लस पे 19 डी निकल के आएगा, तो ए कितना है 7 प्लस में 19 डी, कितना अपने पास 6 है, तो जाएगा 7 प्लस 6 9 जा 54 6 11, तो 121 121, ठीक है, यस ओके, ठीक है। और ए 20 फर्स्ट निकालना है, तो ए प्लस में 20 डी हो जाएगा,
तो 7 + 20d आपका 6s, 6 × 12 तो 127 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म्स निकल के आएगा। तो ये याद रखना, अगर n आपका ऑड निकल के आएगा तो मिडिल टर्म ये होता है, और n अगर इवन निकल के आए तो दो मिडिल टर्म होती है, 20th टर्म और 21st टर्म जो है आपका मिडिल टर्म होगा। दोनों मैंने वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट 15 क्या बोल रहे हैं, इफ द mth टर्म ऑफ एन ap इज दिस एंड nth टर्म ऑफ एन ap इज दिस, शो दैट mn टर्म। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत 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 ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल भरपूर मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिए, सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा सारे क्वेश्चन में। ध्यान से समझने की कोशिश करना कैसे हम लोग निकालते हैं, चैप्टर नंबर 3 का भी इस्तेमाल होता है। कह रहे हैं mth टर्म जो है 1/n है, सिंपल है। और बस यहाँ पर जब बोलते 20 टर्म 18 है तो बड़ा आसान इजी लगता है, वहाँ पर ABCD करते तो मुश्किल लगता है, पर पैटर्न सेम होता है। एम टर्म तो AM जो है हमारे पास वो 1/n है। ठीक है, AM क्या होता है, एक कम डी, ए प्लस एम माइनस वन डी जो है हमारे पास 1/n दे रखा है। इसको ओपन करो, ए प्लस में एम डी माइनस में डी इज इक्वल टू 1/n, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गया, बहुत ही सिंपल तरीका। nth टर्म तो an जो है हमारे पास वो 1/m है, मतलब a प्लस पे n माइनस वन इंटू डी जो है वो 1/m दे रखा है। ठीक है, तो a प्लस पे nd माइनस में d जो है वो 1/m हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन हमने बना दिया, अब यहाँ सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालने की पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। माइनस ये प्लस और ये माइनस, ए खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, तो आ गया एम डी माइनस में एन डी जो है वो 1/n माइनस 1/m के बराबर निकल के आ गया। इसका यूज नहीं, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हटा दे इसको, चलो भाई ओके। अब यहाँ पर क्या करो, m कॉमन कर लो, डी कॉमन कर लो, तो m माइनस में n निकल के आएगा, ये जगह m माइनस n अपॉन पे m निकल के आ गया, इससे खत्म हो गया। तो d जो है वो कितना आ गया, 1/m निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन d हमेशा याद रखना 1/m आता, और a भी सेम निकल के आएगा। चेक करो, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, हम बोलेंगे पुटिंग, ठीक है, d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्जी है, फर्स्ट ने पुट करो चाहे सेकंड ने पुट करो, बात एक ही, आंसर सेम निकल के आएगा। मैंने कहा ना, मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है, कहीं भी कुछ भी करो, बस तरीका सही होना चाहिए, आंसर आता है, कुछ बोरित नहीं, कुछ रटना नहीं, कुछ नहीं करना, बस करते चलना है। तो ये पुट करना है इसमें, ठीक है, तो a प्लस पे एम डी, डी है 1/mn आ गया, ठीक है, माइनस में d इक्वल टू 1/n है, और d जो है, अरे d तो लिख दूँ, d कितना है, 1/mn है, और इक्वल टू हमारे पास 1/n है। ठीक है, अब m से n खत्म हो गया, 1/n से n खत्म, तो a वहाँ देखा कितना हो गया, प्लस 1/mn। मैंने कहा ना a और d सेम आता है, तो यहाँ लिख दो a भी कितना आ गया, a भी आ गया 1/mn निकल के, तो a आ गया और d आ गया। अब हमें a और d पता हो तो कुछ भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था वन शॉट के लेक्चर पे। अब कह रहा शो करना है a mn टर्म, तो a mn कितना आया होता, वो आ गया a प्लस पे एम एन माइनस से 1 × d। भाई अगर a 2 हो तो a 3 निकालना हो तो a प्लस में 3 − 1 × d होता है, a 4 निकालना तो a प्लस 4 − 1 × d होता है, an निकालना a प्लस n माइनस 1 × d होता है, तो amn निकालना तो a प्लस mn माइनस 1 × d होता है। a 1/mn प्लस पे mn माइनस में 1 × d कितना है, 1/mn है। ठीक है, ओपन करूँ मैं, तो 1/mn आ गया, mn को इससे करेंगे तो mn/mn आ गया। ठीक है, माइनस से 1/mn निकल के आ गया, अब इससे तो खत्म हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, तो ए एम एन जो है वो कितना आ गया, 1 निकल के आ गया, और ये हमें प्रूफ करना था, फिर बड़ा लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी को बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चलो एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इफ पी टर्म ऑफ द ए पी इज क्यू, पी टर्म तो आपका ए पी जो है वो क्यू दे रखा है, ए पी मतलब ए प्लस पे पी माइनस वन डी, प्रोसेस सब में सेम रहेगा, वो q के बराबर है, तो a प्लस में पी डी माइनस में d जो है वो q के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट जैसे हमने पीछे माना था सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। ओपन करके मेन a और d निकालना और चैप्टर 3 का इस्तेमाल करना। q टर्म, अब a q जो है वो p के बराबर दे रखा है, तो a प्लस पे q माइनस वन जो d जो है हमारा p के बराबर है। ओपन करेंगे a प्लस में q d माइनस d जो है वो p के बराबर, इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब एक काम करते हैं, लाइन खींचते हैं बढ़िया सी ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये खत्म हो गया, तो पी डी माइनस में क्यू डी, और ये खत्म हो गया माइनस प्लस, इक्वल हो गया क्यू माइनस है पी। ठीक है, तो यहाँ पर डी कॉमन कर लो, पी माइनस में क्यू निकल के आ गया, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन कर लो, पी माइनस क्यू आ गया, इसे काटो, डी माइनस का 1 निकल के आ गया, डी कितना आ गया, डी हमारा माइनस का 1 निकल के आ गया। अगर डी माइनस का 1 है हमारे पास, ठीक है, तो एक काम करो इससे पुट करते हैं फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो ए प्लस में पी इंटू डी माइनस का 1 है, माइनस पे माइनस का 1 इक्वल टू क्यू निकल के आ गया, तो ए माइनस में पी प्लस में 1 इक्वल टू क्यू आ गया। ठीक है, तो जगह ए कितना आ गया, ए आ जाएगा
पी प्लस में क्यू माइनस वन, ये हमारे पास ए निकल के आ गया। तो ए और डी निकालना होता है, दोनों हमने निकाल दिया, यहाँ लिखता हूँ ए कितना आ गया पी प्लस पे क्यू माइनस वन, ये हमारे पास ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं मिटाता हूँ इस तरीके से। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इस nth टर्म हमें प्रूफ करना है ए एन जो है वो इसके बराबर होगा। तो प्रूफ करते हैं ए एन क्या होता है हमारे पास, बोलो ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस पे एन माइनस वन जो डी होता है। ठीक है, ए कितना हमारे पास पी प्लस में क्यू माइनस वन और ये ए है, प्लस में एन माइनस वन डी कितना है, डी हमारा माइनस का वन है। ठीक है, तो पी प्लस में क्यू माइनस वन प्लस, ठीक है, और माइनस में एन प्लस में वन आ गया, इससे ख़त्म हो गया। तो पी प्लस में क्यू माइनस में एन, ये हमारे पास ए एन निकल के आ गया और यही हम लोग को प्रूफ करना था। आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसके बराबर आ चुका है। तो जितने भी ऐसे करते हैं पी टर्म्स का क्यू है, क्यू टर्म पी उल्टा दे रखा है ना, और एंथ टर्म वन अपॉन एम है और एंथ टर्म वन अपॉन एन है, तो उस केस में जो है हमने ए और डी निकालना होता है। भाई ओपन करो, एक के नीचे एक को लिखो, ए और डी निकाल दो फटाफट से, फिर जो बोल रहा पुट करो, आंसर एग्जैक्ट वही निकल के आता है। 17 कह रही है आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 9, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी हो जाए। तो ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन करती है, जब कभी भी एंड का इस्तेमाल हो तो ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड होता हो, और दोनों से डिवाइड का मतलब होता है कि एलसीएम ले लो 5 और 2 का, 10 निकल के आता है, जो 10 से डिवाइड होता हो। बात समझ में आई क्या करना है? अगर यहाँ पर और इस्तेमाल होता तो 2 के अलग निकालते, 5 के अलग निकालते, और 2 और 5 के हम लोग उसमें निकाल के घटा। मैं बाद में बताऊँ, अभी क्वेश्चन लिया हूँ वैसे, अभी कन्फ्यूज नहीं करता, बस इतना याद रखो अगर बोला गया 2 से भी और 5 से भी, दोनों से डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब ये है कि दोनों का एलसीएम तो 10 से डिवाइड हो जाए वो हमें निकाल, तो 10 दिमाग में रखकर चलना है कि इनके बीच में 10 वाला नंबर निकालना। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? चलिए ए पी बनाते फटाफट से। तो कितना आ गया, 110 120 डॉट 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 990 निकल के आ गया। ठीक है, ए पी बन गई, हमें कितने नंबर निकालना है, एन निकालना है। तो ए एन क्या होता है हमारे पास, ए प्लस पे एन माइनस वन जो डी होता है। ठीक है, तो 990 इक्वल टू ए 110 प्लस में एन माइनस वन डी कितना हो गया, डी आपका 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 990 माइनस में 110 इक्वल टू जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 10 निकल के, तो 0 9 से गया 8 8 अपॉन पे 10 इक्वल टू जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, तो 88 इक्वल टू जाएगा एन माइनस वन, तो 88 प्लस में एन इक्वल टू एन हो गया, तो एन कितना आ गया 89। तो 89 ऐसे नंबर है जो कि 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। बात समझ आ गई, एंड का मतलब क्या है, 2 से भी हो जाए 5 से भी हो जाए, मतलब इन दोनों से हो जाए, तो 10 इन दोनों का एलसीएम जो है वो नंबर की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, देर आर 23 रोज इन द फर्स्ट रो। तो पहले में 23 है फर्स्ट में, सेकेंड में 21 है, थर्ड में 19 है, एंड सो ऑन चलता रहा, हमारी ए पी बनेगा। ठीक है, देर आर 5 प्लांट लास्ट, लास्ट में 5 है, हाउ मेनी रोज आर देर, एन क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एन हमें निकालना है। ठीक है, तो ए एन क्या होता है हमारे पास, ए ए देर का 23, डी कितना हो गया 21 माइनस में 23 जो है माइनस का 2 निकल के आ गया, और ए एन जो है 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस पे एन माइनस वन डी होता है, तो 5 इक्वल टू ए कितना हो गया 23 प्लस में एन माइनस वन, नहीं पता डी माइनस टू है, तो 5 माइनस में 23 इक्वल टू हो गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, अब 23 में से 5 गया तो 18 आता है, माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस का 18 डिवाइड बाय माइनस का 2 आ गया एन माइनस वन के बराबर। ठीक है, तो 9 आ गया, 9 इक्वल टू हो गया एन माइनस वन, तो 9 प्लस वन इक्वल टू एन आ गया, और एन आ गया 10, तो 10 जो है उसमें रोज दे रखे थे, तो एन इक्वल 10 निकल के आ गई। तो वर्ड प्रॉब्लम भी आसान से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बेसिक वाले स्टूडेंट दोनों के लिए जो है पूरा ध्यान रखा गया। नेक्स्ट 19 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म दोनों का इक्वल, आपके एन सेट से लिया गया, एन की किस वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म बराबर होगा। दो एपी हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो एपी वन है, कौन सी है, 63, 65, 67, एक एक ये एपी है, और एक दूसरी एपी कितना है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, एक हमारे पास ये एपी दे रखी है। ठीक है, दो एपी हमारे पास यहां पर बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ए कितना दे रखा हमारे पास में 63 है, और डी कितना है 65 माइनस 63 जो कि 2 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर ए की बात करें तो 3 है, और यहाँ पर डी की बात करें तो 10 माइनस में 3 जो है वो 7 के बराबर निकल के आ गया। इसका nth टर्म, इसका nth टर्म निकालते हैं, इसका nth टर्म कितना आएगा, an
वो आगे हमारे पास ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ए कितना है 63 प्लस पे एन माइनस वन, और डी कितना है 2 दे रखा है, तो 63 प्लस में 2n माइनस में 2 हो जाएगा, तो 61 प्लस में 2n, तो इसका nth टर्म तो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, इसका भी nth टर्म निकाल दो फटाफट से। तो ए एन कितना आ गया हमारे पास, ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए कितना है 3, और प्लस में n नहीं पता, d नहीं पता, डी 7 दे रखा है, तो हो गया 3 प्लस में 7n माइनस में 7, तो देखा 7n माइनस में 4, ये इसका nth टर्म है। अब दोनों का nth टर्म बराबर है, तो 61 प्लस में 2n जो है बराबर होगा 7n माइनस में 4 के। ठीक है, तो 61 प्लस में 4 इज इक्वल टू देगा 7n माइनस में 2n, तो 65 इज इक्वल टू 5n निकल के आ गया, और हम बोल सकते हैं कि n जो है वो 65/5 आ गया, n आ गया 5×5=15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 30 निकल के इस क्वेश्चन पे आ जाएगी। तो इसका nth टर्म था, इसका भी nth टर्म अलग अलग निकाल लिया, दोनों का nth टर्म बराबर करना था, उसके बाद हमने n कर निकाल लिया, जो कि n जो है हमारे पास कितना 30 निकल के बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 20 क्या बोल रहा है, इफ एस एन दे रखा है इतना, तो ए पी निकालिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ए एन से तो आप ए पी निकालना सीख चुके हैं, एस एन से भी सीख लीजिए, फिर काम खत्म हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, जहाँ पर n है ना वहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, कितना आ गया s1 निकल के आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, जो कि आ गया 4 माइनस में 1 इक्वल 3 निकल के आ गया। अब मैंने बोला सम बताओ, जब भी सम वर्ड यूज होता है भाई दो नंबर के लिए होता है, एक नंबर के लिए सम यूज नहीं होता, तो s1 का एक नंबर का सम सेंस नहीं बना, एस वन जो है आपका ए वन ही होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो ए वन आपका जो कितना आ गया 3 निकल के आ गया। मैं अब जो है एन को 2 पुट कर दो फटाफट से, एस टू कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 जो 8 माइनस 4 जो है 4 निकल के आ गया। अब एस टू आपका 4 हो गया, अब एस टू का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स। ए पी क्या होती है भाई, हमारे पास ए पी होती है कैसे, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, इस तरह से हमारे पास ए पी होती है, तो सम ऑफ टू टर्म, इन दोनों को जोड़ने को एस टू बोलते हैं, तो हो गया ए वन प्लस में ए टू जो है हमारे पास वो 4 निकल के आ गया। ए वन हमारे पास 3 आ गया था और ए टू इक्वल 4 आ गया, तो ए टू जो है कितना आ गया 4 माइनस में 3 आ गया, तो ए टू जो है हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ए पी बन गया हमारे, कैसे फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 3 आ गया, सेकंड टर्म कितना 1, तो 2 घट रहा है, माइनस 2 कर दो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इस तरीके से हमारे पास ए पी चली जाएगी। तो 3 1 और माइनस 1 बिल्कुल सही आंसर है, इस तरीके से हम ए पी निकाल सकते हैं। तो मुझे पहले तो यार एक बार बताओ, अभी छोड़ो रुको यार, एक बात मुझे बताओ, लिखना बंद करो अभी, एक बार मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे जिनको ए एन से और एस एन से दोनों से ए पी निकालना आ गया। अब ना डी करके भी आता है, डी एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ऐसे भी आप डी निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग, मैं उसको यूज़ कभी नहीं करा आज तक, मैंने हमेशा मैंने डिटेल में इस तरीके से बताया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है, इसका इस्तेमाल आप आपसे कर सकते हो। नेक्स्ट 21 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, हाँ, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 500 विच आर डिविजल बाय 7, 10 से 500 के बीच में ऐसे नंबर का सम निकालो जो कि 7 से डिवाइड होते हो, करते हैं फटाफट से। तो 10 के बाद स्टार्ट 14, ए पी बनानी पड़ती है पहले, ऐसे में ए पी बनाना पड़ता है, तो 14 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट। अब 500 से पहले कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, उसके लिए 500 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 7 7 जा 49 आ गया, और माइनस किया कितना 1 आ गया 0, 7 1 जा 7 निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, मतलब 500 में 3 एक्स्ट्रा था, तो 500 में 3 घटा देंगे तो 497 जो है वो आपका इजिली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, मैं n निकाल, नहीं n नहीं सम निकालना है, तो पहले उसके लिए n निकालना पड़ेगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है हमारे पास n अपॉन पे 2 a प्लस ए एन, ए एन कब, जब हमें लास्ट टर्म दे रखा हो, लास्ट टर्म दे रखा हमें, तो यहाँ पर n चाहिए हो तो n निकालते हैं पहले। अब a हमारे पास 14 है, d हमारे पास 7 है, और a n हमारे पास 497 है, तो फॉर्मूला होता है a n इक्वल टू a प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a n दे रखा 497, a कितना है 14 प्लस में n माइनस 1, d कितना है d 7 दे रखा है। ठीक है, 497 माइनस में 14 जो है वो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 के बराबर है, 7 में 4 गया 3 निकल गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, और 4 में बस ये है। ठीक है, अपॉन पे 7 इक्वल टू एन माइनस वन निकल के आया, काटो 7 6 जा 42 बच्चा कितना है 6 7 9 जा 63 प्लस वन इक्वल टू एन हो गया, और एन जो हमारा 70 निकल के आ गया, एन कितना आ गया 70, चलो यहाँ पुट करते हैं, तो एन आ गया 70 अपॉन पे टू, ए कितना है 14 और ए एन कितना है हमारा 497। ठीक है, तो ऐसा ना आ गया हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 7 4 11 9 10 11 5 1 1। ठीक है,
तो एसन आ गया हमारे पास 35 1 जा 35, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ डायरेक्ट सुन रहे से, 35 1 जा 35, तीन ऊपर के पाँच यहाँ पर, 35 1 जा 35 प्लस 38 थ्री ऊपर एट यहाँ पर, 35 5 जा यहाँ पर कर लेता हूँ डॉट से, 25 5 3 15 16 17 इसमें तीन जोड़ दो 178 178 और 85 ये हमारे पास ऐसा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अलग से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, हाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्क्वायर करना शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता रखा है, एक डिटेल वीडियो, एक घंटे वीडियो में ना सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताया मैंने। तो आपको एक काम करना, सर्च करना प्लेलिस्ट में कि शॉर्ट ट्रिक्स बाय ज्ञानी कीड़ा, कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स पानी का, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं 23 ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक, कर दो यार, ये तो पानी पी रहा हूँ मैं, ठीक है। स्प्लिट 207 इंटू थ्री पार्ट सच दैट दे फॉर्म एन एपी, तीन पार्ट याद है, वन शॉट के लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा 5.3 पे एक वर्ड प्रॉब्लम था जिसमें कैश प्राइस 700 रुपये 7 बच्चों में बांटा गया था और हर प्राइस में 20-20 रुपये कम था, याद आ रहा कुछ, मैंने कहा था अगर तीन नंबर मानने हो एपी में तो क्या बताया था, लेट थ्री पार्ट्स आर, लेट थ्री पार्ट्स आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। अब कितना टोटल 207, सम 207 है भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे ए माइनस डी प्लस में ए प्लस में ए प्लस डी, ये आपका 207 निकल के आ जाएगा, ठीक है। डिजिट ही खत्म हो गया तो 3A जो है वो 207 निकल के आ गया और A आ गया 207 बटे पर 3, ठीक है, कितना आ गया तो A जो है वो 69 निकल के आ गया, सिंपल। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, दो स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट, ये दो स्मॉलर पार्ट है तो A माइनस में D मल्टीप्लाई बाय A, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 4623, तो 69 माइनस में डी मल्टीप्लाई बाय 69 इक्वल टू 4623 निकल के आ गया, तो 69 माइनस डी निकल के आ गया 4623 डिवाइड बाय 69। तो एक काम करो, अब मैं इसका यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, आप लोग जो है इसे साइड में कर लेना डिवाइड, तो 4623 डिवाइड बाय 69, तो अरे 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 4623 डिवाइड बाय 67 निकल के आता है, कितना आता है 67, तो ये कट के 67 आ गया, तो 69 माइनस में डी जो है वो 67 के बराबर आ गया, तो 69 माइनस 67 डी इस तरफ आ गया, तो डी कितना आ गया 2 निकल के आ गया, तो ए 69 है और डी 2 है, तो तीन नंबर कौन कौन से थे, एक तो था ए माइनस डी, तो आ गया 69 माइनस में 2 67 निकल के आ गया, ठीक है, दूसरा ए था तो 69 निकल के आ गया, फिर ए प्लस डी था 69 प्लस में 2 71 निकल के आ गया, तो तीन नंबर कौन कौन से हुए हमारे पास 67, 69, 71, तो ये तीन नंबर एपी में थे जिनको स्प्लिट करने पर जो है हमारे पास जो कंडीशन दे रखी थी वो दे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 23 क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 8, फर्स्ट टर्म 8 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज 20, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट वन, ओके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म SN, इसका SN इसके SN S21 के बराबर है, ठीक है, दूसरी एक और AP है, एक AP1 है हमारे पास है और एक AP2 है, ठीक है, और AP2 में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है A माइनस का 30 और कॉमन डिफरेंस D दे रखा है 8, तो इसका SN टर्म और इसका S21 टर्म आपस में बराबर है, तो चलो निकाल लेते हैं, SN कितना आएगा, वो आ गया N अपॉन पे 2, ठीक है, और 2A प्लस पे N माइनस 1 इंटू डी, ये निकल के आ गया, और S21 कितना होता हूँ, तो 2N अपॉन पे 2 और जाएगा 2A प्लस पे 2N माइनस 1 इंटू डी निकल के आएगा, ठीक है, N है तो N N, S21 तो 2N चलेगा, ठीक है, चलो तो ये पुट करो N अपॉन पे 2 2A, तो 2 इंटू A कितना 8 है और प्लस पे N माइनस 1 डी कितना आपका 20 दे रखा है, ठीक है,
तो देगा एन अपॉन पे टू, आठ दूनी कितना हो गया 16 प्लस में 20 एन माइनस में 20 देगा एन अपॉन पे टू, 16 में से 20 एन प्लस माइनस में 4 निकल के आ गया। तो ये हमारे पास हो गया इसका एस एन टर्म। एस टू निकालते हैं, ठीक है, तो एस टू एन निकाला हमने, कितना आ गया 2n अपॉन पे 2, ठीक है, तो 2 इंटू ए, ए आपका माइनस का 30 है, प्लस में 2n, डी कितना है, डी आपका 8 है, ठीक है, तो एस टू निकल के आ गया हमारे पास 2n अपॉन पे 2 माइनस का 60 प्लस में 16n माइनस में 8 निकल के आ गया, तो एस टू एन आ गया हमारे पास 2n अपॉन पे 2 और माइनस का 68 प्लस में 16n निकल के आ गया। अब इसका sn जो है एस टू एन के बराबर दे रखा है, ठीक है, तो हमें n निकालना है। चलिए बराबर करते हैं डॉट से, तो n अपॉन पे 2 इंटू 20 एन माइनस 4 जो है वो बराबर है 2n अपॉन पे 2 के माइनस का 68 प्लस में 16n के, ठीक है। अब देखो n अपॉन 2 से n अपॉन 2 खत्म हो गया, तो 20n माइनस 4 बचा इक्वल टू 60 माइनस का आठ दूनी 16 चौदह 36 इतना और प्लस में 32n, ठीक है, तो माइनस का 4 प्लस में 136 इक्वल टू 32n माइनस में 20n, ठीक है, तो 132 इक्वल टू हो गया 12n और n आ गया 132 डिवाइड बाय 12, तो n कितना आ गया 11 निकल के आ गया, तो 11 निकल के आ जाएगा। इसका n टर्म इसके 2n टर्म के बराबर दे रखा था और हमें n की वैल्यू निकालनी थी, तो n में आंसर चेक कर लो फटाफट से कितना निकल के आ रहा है, n आपका 11 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 24 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये करते हो सुपर 30, तो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा आर एस वाला सब एक साथ चल रहा है और पी वाई क्यू, ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म, एस 7 हमारे पास 63 दे रखा है। एस 7 क्या होता है, 7 अपॉन पे 2, ठीक है, 2a प्लस में 1 कम d, 6d, ये हमारे पास 63 दे रखा है, ठीक है, 7 9 जा 63 हो गया, तो 1 अपॉन पे 2, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो a प्लस में 3d जो है वो 9 के बराबर आ गया, इससे खत्म हो गया, तो a प्लस में 3d 9 के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे a आ गया 9 माइनस में 3d के, ठीक है, ये पहले इक्वेशन हो गई, सिंपल। दूसरा, सम ऑफ नेक्स्ट, अरे 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 अरे, ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, नहीं नहीं ये वो नहीं है, अरे ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें भी वो भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान सुनना। बोला सम ऑफ 7 टर्म, 7 टर्म का सम जो है 63 है, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म 161 है, और आगे के 7 टर्म हो, और ध्यान सुनना, जब भी हम बात करते हैं सम की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ध्यान सुनना, जब मैंने बोला सम ऑफ 7 टर्म, तो ये 60 टर्म इसकी बात, ये एच 7 होता है, अब नेक्स्ट 7 मतलब होता है ये, नेक्स्ट 7 मतलब ये, इसका बात कर रहे हैं। अब जब भी सम की बात करते हैं, स्टार्टिंग से सम ऑफ 14 टर्म, तो फर्स्ट टर्म से 14 टर्म तक का, ये बीच का हिसाब किताब नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पूरा सम निकालेंगे एस 14 का, तो एस 14 में से एस 7 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये सम निकल के आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 की जो बात कर रहा है, मतलब क्या है, एस 14 माइनस में एस 7 की बात कर रहा है। चलो यहाँ लिख दो मैं, ठीक है, यहाँ लिख दो, चलो कोई कन्फ्यूज नहीं होगी। सम ऑफ नेक्स्ट 7 मतलब एस 14 माइनस में एस 7 जो है वो हमारा 161 दे रखा, 161 दे रखा है, ठीक है, और एस 7 63 है, ठीक है, तो एस 14 कितना आ गया हमारे पास 161 प्लस में 63, इसको हटाते हैं, तो बोलेंगे एस 14 कितना आ गया था, 4 6 6 12 224 निकल के आ गया एस 24। अब यहाँ से एक इक्वेशन और आएगी, करो फटाफट से, तो 14 अपॉन पे 2 2a प्लस में 1 कम d 13d कितना आ गया 224 के बराबर निकल के आ गया, ये 7 प्राइम से कटेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस में 13d जो है वो 224 के बराबर निकल के आ गया, ठीक है, काटो 7 3 21 7 2 14, तो 2a प्लस में 13d जो है वो 32 आ गया। अब a की वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 9 माइनस में 3d और प्लस में 13d, ये आ गया 32 के बराबर, ठीक है, तो 18 माइनस में 6d प्लस में 13d जो है 32 के बराबर हो गया, 13 में से 6 गए तो 7, 7d आ गया 32 माइनस में 18, तो 32 में से 18 गया 4, 14, तो d यहाँ से 2 निकल के आ गया। अगर d 2 आया है तो a कितना आ गया 9 माइनस में 6,
तीन आ गया, ए तीन आ गया और डी 28 आ गया। क्या निकालना है? फाइंड द 28 टर्म निकालना हम लोग को, ठीक है, 28 टर्म निकालना है। तो ए 28 निकालना है, तो ए प्लस पे 27 डी निकल के आएगा, ए कम डी होता है, तो ए कितना है 3 प्लस में 27 डी कितना हो गया 2 निकल के आ गया, 27 × 54 54, तो 57 निकल के आ गया, 57, तो ए 28 57 हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 बोले, नेक्स्ट की बात करें ना, तो टोटल में से इसको माइनस कर देना, निकल के आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, ये 57 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 25 क्या कह रहा है? हाँ, ये जो है मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा था, एनसीईआरटी वाला, वो ये क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसे होता तो कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है। चलो कह रहे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो एस 7 हमें 49 दे रखा है, ठीक है, तो 7 टर्म एन अपॉन 2, ठीक है, और 2 ए कम डी होता ना 6 डी, और इक्वल टू 49 हो गया, तो 7 × 49 तो 1/2 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ए प्लस में 3 डी ये आपका 7 के बराबर आ गया, इससे ख़त्म। तो ए प्लस में 3 डी जो है वो 7 के बराबर आ गया, ठीक है। देखो 7 बोला पर 4 लिख दिया, समटाइम ऐसी गड़बड़ी होती है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ए आ गया 7 − 3 डी के, तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दिया, ठीक है, फर्स्ट मान के छोड़ दिया। अब बोला सम ऑफ नेक्स्ट 17 टर्म, तो एस 17 हमें दे रखा है 289, ठीक है, तो आ गया कितना 17/2 और 2a प्लस में 1 कम d 16d, ये आ गया 289 के बराबर, तो 17 जा हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 2 कॉमन कर लेते हैं, तो a प्लस में 8d जो है वो 17 के बराबर आ गया, इससे ख़त्म। तो a प्लस में 8d 17 के बराबर आ गया, और a कितना है 7 − 3d प्लस में 8d इक्वल टू 17 हो गया, 5d इक्वल टू 10 हो गया, और d आ गया 2 निकल के, और अगर d 2 निकल के आ गया तो ए कितना आ गया, ए आ गया 3 × 2 = 6, तो ए आ गया हमारे पास 1 निकल के, ए 1 आ गया और डी 2 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ एस एन निकाल, एन टर्म निकालना है, एस एन क्या होता है हमारे पास n/2 और 2a प्लस पे n − 1 × d निकल के आता है, ठीक है, तो n/2 2a 1 दे रखा 2 × 2 डी कितना दे रखा है, डी हमें 2 दे रखा है, तो n/2 तो हो गया 2 प्लस में 2n − 2, अब 2 से 2 खत्म हो गया, तो ऐसा ना आ गया हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 2n/2, अब 2 से 2 कैंसिल, n हो गया n स्क्वायर, तो ऐसा ना आ गया n स्क्वायर, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। ये एक बात हो, क्या करते समय तुम्हें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और जिन बच्चों को ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यकीन मानो उनकी तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है। नेक्स्ट 26 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, अगर फोर्थ टर्म एपी का जीरो है, मतलब ए प्लस में 3d जीरो दे रखा है, प्रूफ दैट 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 × 11th टर्म, 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 × 11th टर्म, ये हमें प्रूफ करना है, तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करो, a निकाल लो, माइनस का 3d है, ठीक है। 25 क्या होता है, a प्लस में 24d होता है, और 11 हो गया a प्लस में 10d, ठीक है। अब a की जगह माइनस का 3d पुट कर दो, 24d, ठीक है, इक्वल टू a की जगह माइनस का 3d पुट कर दो, 10d कितना आ गया, 24 × 3 = 21, 21d इक्वल टू आ गया 3 × 7d, ठीक है, 21d इक्वल 21d, जो कि बहुत ही ज़्यादा नकली हलवा क्वेश्चन था, तो ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके RS अग्रवाल में, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है एक AP है, प्रूफ करो S12 टर्म तक का सम जो है वो 3 × S8 − S4 होगा, SN रिप्रेजेंट सम ऑफ N टर्म ऑफ एन AP, तो LHS और RHS करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, taking RHS पहले कर लेते हैं, RHS लेते हैं, ठीक है, तो 3 × S8, अब S8 कितना होगा बताओ, 8/2 2a प्लस में 1 कम d 7d, ठीक है, माइनस 4 क्या होगा, S4 4/2 और 2a प्लस पे 1 कम d 3d, ठीक है, 3 × 4 2a प्लस में 7d माइनस में 2 × 2a + 3d, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत आसान तरीके से, तो 3 × हो जाएगा 4 × 2 8a प्लस में 28d माइनस 4a माइनस में 6d, तो 3 × 4a प्लस में 22d जो कितना आ गया, चारती हैं 12, 12a प्लस में 66d निकल के आ जाएगा, ठीक है।
एक काम करो, यहाँ पर ना 6 कॉमन कर लो, कितना आ गया? नहीं मैं रहने दो, ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा आरएचएस। अब टेकिंग एलएचएस करते हैं, टेकिंग एलएचएस क्या है? एस ट्वेल्व है। एस ट्वेल्व क्या होता है? 12.2 टू ए प्लस में एक कम डी होता है, ठीक है। तो एस ट्वेल्व कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस में 11d। बड़ा आसान तरीके कर दिया मैंने सीधे, 12a प्लस में 60d। तो हम देख सकते हैं LHS जो है वो आपके RHS के बराबर है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। तो इसे यहाँ पर लिखना क्या था, ये 3 मल्टीप्लाई बाय S8 माइनस में S4, ये आपका LHS था, ठीक है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट 29, 28 क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन ए पी इज 32। चार नंबर में लेट करने, तो चार नंबर बताया था मैंने, कैसे करोगे लेट बताओ? वो करोगे ए माइनस में 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो ये मान लो ये चार नंबर लेट कर लिया, ठीक है। इनका सम 32 है, तो ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस में ए प्लस 3d, सम 32 है। अब इससे ख़त्म, सब खत्म आपस में, तो 4a आ गया आपका 32 के बराबर और a आ गया 4 8 32, a आपका 8 निकल के आ गया। अब सर कैसे आया, हमें कैसे पता होगा? अरे सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया वन शॉट के लेक्चर्स में, चलो कोई नहीं, यहाँ बताता हूँ। हमें ऐसे चार नंबर मानने लेफ्ट और राइट में इक्वल करके कि d कट जाए, ठीक है। तीन मानना हो तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, डी से डी खत्म हो जाएगा सम के टाइम पे। चार मानने हो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। पांच मानने हो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो d डी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे सोच के खुद मानना पड़ता है। एंड द रेशियो प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब a माइनस में 3d और मल्टीप्लाई बाय a प्लस में 3d, ठीक है। इसका रेशियो किससे? प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म और बीच वाले टर्म से, ए माइनस डी और ए प्लस में डी, ये मैं दे रखा है 7/15। मतलब लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका और बीच के दो का मिडिल मोस्ट का रेशियो दे रखा है 7/15। अच्छा जी, चलिए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस पे बी का डी, बी का स्क्वायर अपॉन पे ए स्क्वायर माइनस पे डी स्क्वायर, कितना आ गया बस 7/15 निकल के आ गया, तो आ गया 15 इंटू पर ए स्क्वायर माइनस में 9d का स्क्वायर, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। तो 15 ए का स्क्वायर माइनस में 9 5 45, 9 1 9 4 13, डी का स्क्वायर कितना आ गया 7 ए का स्क्वायर माइनस 7 डी का स्क्वायर निकल के आ गया। तो 15 ए का स्क्वायर माइनस में 7 ए का स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस 7 डी का स्क्वायर प्लस में 135 डी का स्क्वायर, ठीक है। 15 में से 7 गए 8, 8 ए का स्क्वायर इक्वल टू 128 डी का स्क्वायर, कटेगा ये ए का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, कटेगा कटेगा कटेगा, तो 8 1 8 ये निकल के आ गया, ठीक है। अब ए हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू हो गया 16 डी का स्क्वायर, 16 6 64, डी स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया और डी आ गया प्लस माइनस 2 निकल के, डी कितना आ गया प्लस माइनस 2 निकल के आ गया। डी की दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आई हैं, ए हमारे पास 8 है और डी आ गया प्लस माइनस 2। तो देखो हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इन सब काम हो चुका है, इसको मिटा रहा हूँ। तो पहले हम लेते हैं कि हमारा ए 8 है और डी हमारे पास माइनस का 2 है, तो ए माइनस 3d कितना आएगा, तो 8 माइनस में 3d माइनस का 2 है, तो 3 2 6 8 6 14 निकल के आ गया। ए माइनस डी कितना आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, ए प्लस में डी कितना आ गया 8 प्लस में माइनस का 2 कितना आ गया 6 निकल के आ गया, और a प्लस में 2d 3d कितना निकल के आ गया था, तो 8 प्लस में 3 इंटू माइनस का 2, तो 2 निकल के आ गया, तो 10 14 6 2 निकल के आ गया, ठीक है। एक तो ये केस बन गया। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, d अब की बार आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा बनेगा अगर आपका a तो सेम 8 ही और d आपका प्लस का 2 आ गया, तो a माइनस का 3d, तो 8 माइनस 3 6 2 निकल के आ गया, ए माइनस में डी 8 माइनस में 2 6 निकल के आ गया, ठीक है। उल्टा निकल आया, कुछ नहीं हुआ, ए प्लस में डी कितना आ गया 8 प्लस में 2 10 निकल के आ गया, और 8 प्लस में 3d
जो कि आपका 14 निकल के आ गया। तो 2, 6, 10, 14 बोल लो, ठीक है, या फिर 14, 10, 6, 2 बोल लो, बात एक ही है, आंसर दोनों निकल के ही आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 29 क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 18 टर्म, ए 11 अपॉन पे ए 18 जो है हमें वो 2:3 रखा है। फाइंड द रेशियो फिफ्थ टर्म टू द 21 टर्म, तो ए 5 अपॉन पे ए 21 क्या होगा हमें निकालना, ठीक है, ये बात की बात है। पहले एक काम करता है, जो गिवन है उसमें देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। ए 11 हो गया ए प्लस में 10d और ए प्लस 17d हो गया इक्वल 2:3 हो गया, 3 क्रॉस मिला कर दोगे, है ना, इसकी मिला इसमें, इसकी मिला इसमें, क्रॉस मिला कर रहा हूँ, तो आ गया 2 × a प्लस में 17d, ठीक है, तो 3a प्लस में 30d इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 34d, तो 3a माइनस में 2a इक्वल हो गया 34d माइनस में 30d, तो a जो है वो 4d के बराबर आ गया, a के रिलेशन आ गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। a 5 क्या होता है, a प्लस में 4d, a 21 क्या होता है, a प्लस में 20d होता है, ठीक है। अब a हमें पता है 4d प्लस में 4d अपॉन पे 4d प्लस में 20d कितना आ गया 8d अपॉन पे 24d जो कि आगे कितना 1:3 1:3 निकल के आ गया पहले का। तो आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू S5 और S21 का निकालना है, S5 और S21 का निकालना है, सम ऑफ 5 टर्म क्या हो गया 5/2, ठीक है, 2a प्लस में 1d ये देगा अपॉन पे 21/2, 2a प्लस में 1d 20d निकल के आ गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 5/21 2a, a तो 4d है, तो 8d प्लस 4d 8d प्लस में 20d, तो आ गया हमारे पास 5/21 8×12d अपॉन 28d, कट करते हैं इसे, 3×4 12, 3×7 21, 4×7 28, डिजिटी कैंसिल, 5/49, 5:49 इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया 1:3 और दूसरे वाले का 5:49, बिल्कुल सही आंसर निकल के आ गया। इसकी पीडीएफ जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी ड्राइव की, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, नेक्स्ट 30 आप रीड करो फटाफट से, अगर ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल के आएंगे। शो दैट द नंबर ऑफ एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म इज बी, फर्स्ट टर्म ए 1 आपका ए दे रखा है, सेकेंड टर्म आपको बी दे रखा है, लास्ट टर्म ए एंड सी दे रखा है, शो दैट सम ऑफ, और क्या शो करना कि एस एन इसके बराबर हो, शो करना कि एस एन इक्वल टू कितना हो ए प्लस सी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बी प्लस सी दिखाने के लिए विकराल, और 2×b - a, ये प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत ही नकली क्वेश्चन है। अगर कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 - a1 जो कि आ गया b - a, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, चलो करते बड़े आराम से। पहले एक काम करो ना, sn क्या होता है, sn होता है हमारे पास n/2 a प्लस an होता है ना, तो एक काम करो an को अलग से निकाल लेते हैं, वहाँ घिची पिची हो जाएगी, वरना an क्या होगा a प्लस पे n-1d होता है, an कितना है c, a तो a दे रखा है, d कितना है, d हमारे पास है b-a, तो c माइनस का a डिवाइड बाय b माइनस का a इज इक्वल टू n-1 हो गया, ठीक है, और c माइनस a अपॉन पे b माइनस में a प्लस में 1 इक्वल टू n निकल के आ गया, नीचे वन लगा दो, तो c माइनस a प्लस में b माइनस में a डिवाइड बाय b माइनस में a, ये n के बराबर आ गया, ठीक है, तो b प्लस में c माइनस में 2a अपॉन पे b माइनस में a इक्वल टू n, और ये हमारा n निकल के आ गया, क्योंकि n तो चाहिए ना, n तो हमें इन टर्म ऑफ निकाला, n की वैल्यू कहीं यहाँ पर है नहीं, तो sn कितना देगा, n आ गया हमारे पास ये, तो b प्लस में c माइनस में 2a अपॉन पे b माइनस, ये n है, नीचे 2 भी है, तो यहाँ पर मंडला 2 निकल के आ गया,
और ए प्लस ए एन, ए कितना है और ए एन कितना है सी, खत्म, राइट वही आ गया, अरेंज कर दो, ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी माइनस में टू ए। अब देखो कितना डिफिकल्ट दिख रहा था क्वेश्चन, तो कई बार मुश्किल दिखता है क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाते हैं, पर होता कितना आसान है, उसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था इसमें, तो ये आपका ऐसा निकल के आ जाएगा, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट 31st क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ दोस इंटीजर, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ दोस इंटीजर फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2, दो के 2 एज वेल एज 5, दो का भी मल्टीपल ऑफ 5 का भी हो, दो का भी हो और 5 का भी, तो 10 की बात चल रही है, बता था मैंने पीछे क्वेश्चन में, तो 10, 20, 30, 500 तक, फ्रॉम है, देखिए बिटवीन नहीं है, मतलब तक, 1 से 500 तक है, ठीक है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा, तो ए एन क्या होता है हमारे पास, ए प्लस पे एन माइनस वन डी होता है, ठीक है, तो 500 इक्वल होता है ए 10 है प्लस एन माइनस वन डी, कितना डी आपका 10 हो गया, तो 500 माइनस वन 10 इक्वल टू हो गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई 10 हो गया, तो 490 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू हो गया एन माइनस वन, ठीक है, 49 प्लस वन इक्वल टू एन आ गया और एन जो है वो 50 निकल के आ गया, एन कितना आ गया, एन 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है, सब निकालना है, तो एस एन क्या होता है हमारे पास, एन अपॉन बाय 2 और ए प्लस पे ए एन होता है, ठीक है, एन 50 है अपॉन 2, ए कितना है 10 है और ए एन कितना है 500 है, ठीक है, तो हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 510, तो मल्टीप्लाई करेंगे बताओ कितना निकल के आएगा, मैं इसकी प्रॉपर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 510 मल्टीप्लाई बाय 25 ये निकल के आ गया 12750, 12750 ये हमारा एस एन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और का इस्तेमाल करता, सुन लो एक कहानी सुन लो, मैं तो बताता हूँ, अगर यहाँ पर 5 मल्टीपल ऑफ 2 और 5 आता, क्वेश्चन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 और 5 आता, तो हमें 2 के सारा सम निकालना पड़ता, 2 के मल्टीपल का सम निकालना पड़ता S1, 5 के मल्टीपल सम निकालते S2, दोनों को जोड़ देते, अब 2 पे भी 10, 20, 30 आता है, 5 पे भी 10, 20, 30 आता है, तो हमें 2 और 5 के 7 वाला घटाना पड़ जाता है, 2 और S10 वाला, 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल घटाना पड़ जाता, इस तरीके से हम लोग निकालते, जब मैं NCERT एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द, अब जो दो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको समझाने से पहले एक काम करते ये समझते हैं, उसके बाद पीछे वापस आएंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलो ज्यादा 3 क्वेश्चन बचे हैं फटाफट से। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 AP, दो अलग अलग एपी का एन टर्म, तो SN और S-SN, ठीक है, तो एन अपॉन पे 2, ठीक है, 2a प्लस पे n माइनस वन डी, एक तो ये निकल के हो गया, ठीक है, दूसरा n अपॉन पे 2, 2a प्लस पे n माइनस वन डी, ठीक है, ये हमें दे रखा कितना, 7n प्लस में 1 डिवाइड बाय 4n प्लस में 27, हमें 9th टर्म तक का रेशियो निकालना है, ध्यान सुनना, में 9 मतलब क्या, हमें निकालना है a 9 अपॉन पे ए 9, मतलब क्या, ए प्लस पे 8D अपॉन पे ए प्लस में 8D क्या हुआ, ये हमें निकालना है। देखो अगर जब अलग अलग AP की बात करें ना, तो A और D ना अलग अलग मानना, सेम से मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, इससे तो खत्म हो गया, ठीक है, कितना आ गया, 2A प्लस पे N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है, और डिवाइड बाय 2A प्लस पे N माइनस 1 टू D, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 7N प्लस में 1 अपॉन पे 4N प्लस में 27 के बराबर निकल के आ गया। अब सारा खेल इस चीज का जो मैं बताने वाला हूं, मुझे जो है ना, मुझे जो है यहां देख, इससे ये लेके आना है, मतलब a प्लस 18 होना चाहिए और 2 कॉमन भी करना है, मतलब ये आपका 16, n माइनस 1 अगर आपका 16 हो जाए, आपका अगर n माइनस 1 16 होता, तो देखो ये अगर ये 16 एज्यूम करो, 16 है ये, तो 2 कॉमन करोगे a आएगा और 8 आएगा, खत्म, तो n माइनस 1 की जगह 16, मतलब n की जगह आपको 16 प्लस 1, n की जगह आपको 17 पुट करना है, तो n की जगह 17 पुट कर देंगे, तो 2a प्लस पे 17 माइनस 1 16d अपॉन पे 2a प्लस में 16d और 17 पुट करना है प्लस में 1 अपॉन पे 4 इंटू एन 17 प्लस में 27 निकल के आ गया, ठीक है, जो कि 7 7 49 7 11 प्लस में 1
428 आएगा, हम 4 5 6 प्लस 27 इक्वल आ गया 120 डिवाइडेड बाय 714 15 627 और 1 8 120 अपन 85 तो 5 से काटेंगे 5 2 10 5 6 20 और 5 5 5 7 35 27 अपॉन पे 14। चलो छैया आंसर चेक कर लो इसका, सॉरी 19 आएगा है, 19 आ रहा है यार, 17 एक मिनट जो मैं ऐड कर लूँ एक बार, 17 × 4 = 68 होता है प्लस 27 90 ऐसे 95 है, ये 95 है तो 59 जा ठीक है ये निकल के आ गया। तो सारा खेलना हमारा क्या होता है, सारा खेल किसका होता है हमारे पास आपका होता है किसका, ये वैल्यू पुट करने का। तो हमें से क्या करना, ध्यान रखना मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो भी वैल्यू निकालनी है देखो, अगर हमें नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके डबल से एक कम एन होता है। अगर मान लो हमें नाइन टर्म निकालना है तो नाइन का डबल 18 से एक कम तो एन आपका 17 होगा, देखो वही निकल के आ गया, ऐसे याद रखो इसे। मान लो अगर आपको फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालना है तो डबल से एक कम 10 में से क्या 9 तो आपका 9 जो है एन को पुट करना पड़ेगा। बात समझा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास फटाफट से, अब इस पे आते हैं, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म एस एम और फर्स्ट एन टर्म दे रखा हमें एम स्क्वायर अपॉन पे एन स्क्वायर, ठीक है शो करना है, फला फला भी करते हैं। अब एस एम क्या होगा ऑफ एन ए पी, एक ए पी की बात चले तो ए और डी सेम सेम ले सकते हो, एस एम क्या होगा एम अपॉन पे टू, ठीक है टू ए प्लस पे एम माइनस वन डी, एक कम डी होता ठीक है, और डिवाइड बाय कितना निकल गया हमारे पास एन हो गया एन अपॉन पे टू, ठीक है और होगा टू ए प्लस पे एन माइनस वन टू डी निकल के आ गया, ठीक है ये दे रखा आपको एम स्क्वायर अपॉन पे एन स्क्वायर। अब ये टू से टू खत्म हो गया ठीक है, और इस वाले एम से ये स्क्वायर खत्म, एन से स्क्वायर खत्म, क्या बचा फाइनली टू ए प्लस पे एम माइनस वन मल्टीप्लाई डी और डिवाइड बाय टू ए प्लस पे एन माइनस वन टू डी जो है हमारा एम अपॉन एन के बराबर बचा, इस तरीके से बचा है जो लास्ट में हमारा आया था ठीक है। अब ध्यान सुनना, बोला शो दैट कौन सा टर्म एम टर्म, अब मैंने क्या ट्रिक क्या बताया था, अगर मुझे एम टर्म निकालना है तो एम की जगह पुट करूंगा इसका डबल से एक कम, तो एम की जगह मुझे टू एम माइनस वन पुट करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा, और एन की जगह टू एन माइनस वन डबल से एक कम ये रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अगर रिप्लेस फटाफट से कितना आएगा तो टू ए प्लस में एम की जगह कितना आएगा टू एम माइनस वन आ गया ठीक है इंटू डी हो जाएगा और डिवाइड बाय टू ए प्लस पे टू एन माइनस वन डी हो जाएगा ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास आगे एम की जगह टू एम माइनस वन आ गया और आ गया टू एन माइनस वन ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा टू ए प्लस पे टू एम माइनस में टू मल्टीप्लाई बाय डी आ गया और डिवाइड बाय टू ए प्लस पे टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई डी आ गया और हो गया टू एम माइनस वन अपॉन पे टू एन माइनस वन। अब ऊपर टू नीचे टू ले कॉमन लेके मैं काट रहा हूँ तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा ए प्लस पे एम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन पे ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी जो है आपका आ गया टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन मन के बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था एम टर्म और एन टर्म, तो ए एम अपॉन पे ए एन जो है हमारे पास वो टू एम माइनस वन अपॉन पे टू एन माइनस वन निकल के आ गया, और मैंने कहा था इस तरीके से आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम चलते लास्ट क्वेश्चन 34 ईयर आप सभी के स्क्रीन, लास्ट क्वेश्चन है अर्थ थीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन वैसे मैंने चैप्टर 4 में लेने वाला था पर वहां पर मैंने एपी कराया नहीं था इसलिए मैंने वहां पर ना लेके इस क्वेश्चन को यहां पर आज लिया है ठीक है। तो ध्यान सुनना, अर्थ थीफ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, एक चोर है जो कि भाग रहा है 1 मिनट में 100 मीटर के हिसाब से, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। अब पुलिस को पता चली बाद में चोरी हुई है, अब चोर भाग रहा है हर मिनट में 100 मीटर भाग जाता है, अब पुलिस ने 1 मिनट बाद भागना शुरू करा है। ही रन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट इन एवरी सक्सेसिव मिनट, मतलब पहले मिनट में भागेगा 100 मीटर के हिसाब से, फिर दूसरे पूरे मिनट भागेगा 110 मीटर के हिसाब से, तीसरे में 120 फिर 130 ऐसा चलता रहेगा। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल द पुलिसमैन कॉच द थीफ, कितने मिनट बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ध्यान सुनना। इस केस में क्या है आपको ना डिस्टेंस से करते हैं, डिस्टेंस ध्यान रखना, मान लेते हैं लेट मानते हैं लेट 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 आफ्टर एन मिनट, लेट आफ्टर एन मिनट जो है
मिनट जो है थीफ कॉट, थीफ पकड़ा जाता है एन मिनट के बाद, ठीक है। अब थीफ जो है कि स्पीड है 100 मीटर पर मिनट और एन मिनट बाद तो पकड़ा जाता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, डिस्टेंस ट्रेवल थीफ कितना हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितने थीफ की 100 है, 100 मीटर पर मिनट, ठीक है, और कितने हम बोल रहे हैं एन मिनट बाद पकड़ा जाएगा, खत्म हो गया। तो आ गया हमारे पास 100 n, डिस्टेंस आ गया 100 n, तो 100 × n, ये डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया किसने, थीफ ने, चोर ने। अब पुलिस की बात करते हैं, एपी बनेगी पुलिस के केस में। तो पुलिस ने पहले भाग रहा 100 मीटर के हिसाब से, फिर 110, फिर 120, करते करते कितने देर भागा है। अब अगर चोर n मिनट भागा है तो पुलिस वाला n-1 मिनट भागा है, इतने मिनट तक वो भागा है, ध्यान समझना, गड़बड़ मत करना। इसका सम निकालते हैं ये, तो पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सम निकाल, टोटल कितना आएगा SN, वो आएगा आपका n/2, ठीक है। तो n कितना है, इतना है n/2, ठीक है, और 2a आपका 100 है, 2a प्लस पे n-1 × d कितना आपका 10 निकल के आ गया, ठीक है। तो n-1/2 आ गया कितना 200 प्लस में n-2 × 10 निकल के आ गया, ठीक है। तो n-1/2 जो है वो आ गया हमारा, और 200 प्लस में 10 n-20 के बराबर निकल के आ गया। अब कहना जितना डिस्टेंस इतने भागा है उतना ही डिस्टेंस भी इसने भागा होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, तो आइए दोनों का डिस्टेंस बराबर करके फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आ गया हमारे पास n-1/2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 180 प्लस में 10 n जो है हमारा वो 100 n के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आसान है। तो n-1/2, ठीक है, एक काम करो यहाँ पर क्या कॉमन कर लो, कितना कॉमन कर दो, 4 2 कॉमन करते हैं यार, तो 90 प्लस में 5 n इक्वल टू 100 n निकल के आ गया, इससे खत्म हो गया। तो n-1 मल्टीप्लाई बाय 5 n प्लस पे 90 इज इक्वल टू 100 n निकल के आ गया। तो 5 n का स्क्वायर प्लस पे 90 n माइनस 5 n माइनस पे 90 100 n के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। तो 5 n का स्क्वायर प्लस में 85 n माइनस पे 100 n माइनस पे 90 इक्वल जीरो निकल के आ गया। तो 5 n का स्क्वायर माइनस पे 15 n माइनस पे 90 इक्वल जीरो निकल के आ गया। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहूँ अगर 5 कॉमन कर लो, तो n का स्क्वायर 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 4, 5 × 8 = 40, 0, ये हमारे पास बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं और हमारा n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक काम करो, यहीं पे सॉल्व कर लो, तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना माइनस का 18 और वैसे आना चाहिए माइनस का 3, तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 6 प्लस में 3 खत्म। तो n स्क्वायर माइनस में 6n प्लस में 3n माइनस 18 इक्वल टू 0 आ गया, n कॉमन कर लो, n माइनस 6 प्लस में 3 कॉमन कर लो, n माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो n माइनस 6 और n प्लस में 3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, यहाँ से हमारा कितना आ गया, n 6 निकल के आ गया। अब नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 6 मतलब 6 मिनट तक चोर भाग रहा था, अब पुलिस वाले ने 1 मिनट बाद भागना शुरू किया, तो 5 मिनट के बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। आफ्टर हाउ मिनट, कितने मिनट बाद, ठीक है, n मिनट बाद, हमने कहा था n मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो 6 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। तो कितना आंसर निकल के आ रहा है, तो ये 5, तो 6 मिनट तक चोर भागा है और पुलिस वाला n माइनस 1 मिनट तक भागा है, तो पुलिस वाले ने 5 मिनट बाद चोर को पकड़ लिया। चोर कितना भागा, 6 मिनट, और पुलिस वाले ने जो है 5 मिनट में उसको पकड़ लिया, क्यों, क्योंकि 1 मिनट बाद उसने भागना शुरू किया था। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, हमने क्या करा भाई, n मिनट तक चोर भागता हमने बोल दिया, ठीक है, और उसकी स्पीड इतनी है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस आता है, इतना चोर डिस्टेंस भागा है। अब पुलिस का डिस्टेंस कैसे निकाला, पुलिस पहले मिनट में भाग रहा है 100 मीटर, दूसरे में 110, तीसरे में 120, 100, 120, और ऐसे करते करते n माइनस 1 कम मिनट तक भागा है चोर के मुकाबले n माइनस 1, तो उसके सब सम निकाल लिया, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, वहां से निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारा सुपर 30 जो है यहां पर खत्म होता है।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अब आपने क्या करना है, इसकी पीडीएफ लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। कोई डाउट निकल के आता आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे के सारे वीडियोस को ना यार वन शॉट देखो और सुपर थर्टी देखो, यकीन आपके बहुत अच्छे मार्क जो है इस बार आने वाले हैं। वीडियो कैसे लगी मुझे फीडबैक जरूर बताना, अच्छी लगी क्योंकि जैसा भी हो आप अपना कमेंट जरूर देना, अपना फीडबैक देना। सर बहुत अच्छा लगा, सर और अच्छे से बता सकते थे और खुल के बता सकते थे, या मुझे मजा नहीं आया सर, बिल्कुल समझ नहीं आया, जैसा भी वैसा बताओ, पर बताओ जरूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की बहुत डिमांड चल रही है, उसको लेकर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए हरे कृष्णा।